ये जो भगर है उसकी मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने भगर लिया है, इसे वरी भी बोलते हैं। वरी का चावल अगर आप बोलोगे ना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर भगर, ये व्रत में खाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। लेकिन मैं ये व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, ये ऐसे ही सिंपल मतलब फेस्टिवल के लिए मैं मिठाई बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने ये भगर ले ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है नारियल, ये टोटल 4 छोटे चम्मच नारियल है। आप सूखा नारियल या फिर फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हो, आपको टेस्ट तो बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, जितना आप ये ले लोगे ना उससे डबल क्वांटिटी आपको पानी लेना है। तो मैंने फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए ये एक कटोरी पानी रेडी रखा है, और उसके साथ ये इसका हाफ मतलब बगर के हाफ गुड़ लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है 1/2 चम्मच स्वाद के लिए, और यहाँ पे शुद्ध देसी घी रेडी रखा है, ठीक है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 से 4 चम्मच हम शुद्ध देसी घी पैन में डाल देंगे, गरम होने के लिए रख देंगे। आपकी ज़रूरत के अनुसार आप ये देसी घी ले सकते हैं। जितना क्वांटिटी आपने वरी लिया है या फिर भगर लिया है ना, उतना क्वांटिटी आपको यहाँ पे घी लेना है। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये भगर यानी कि वरी, और उसको हम रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से ये फूल जाए इतना हमें इसको रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने तक यानी कि 7 से 8 मिनट तक आपको लो फ्लेम में इसे गरम कर लेना है। कंटिन्यूस ये चलाते रहना है। ये देखिए टोटल 7 से 8 मिनट मैंने कंटिन्यूस इसको जो है ना गरम कर लिया है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और ये एक सेपरेट प्लेट में निकाल कर रख देंगे, और फिर आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ हमने ये निकाल कर सेपरेट रख दिया है एक बोल में। अभी हम ना इसमें इसी पैन में 2 कप पानी ऐड करेंगे और गरम कर लेंगे। 2 कप डालना है पानी, ये हुआ 1 कप और ये दूसरा कप पानी मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं, और इसमें ऐड करेंगे हम गुड़। जो भी जितना भी क्वांटिटी आप गुड़ लेना चाहते हैं वो इस पानी में आप मिला लीजिए, और इसे गर्म होने के लिए रख दीजिए। एक उसको आपको ना ये मतलब जलेबी के लिए कैसे हम पाक बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है, सिर्फ ये पानी में डिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। घुल मिल जाए ना पानी में, फिर आप वो जो वरी है यानी कि बगर है वो इसमें आप ऐड करके चला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गुड़ पिघल गया है। अब देखिए ये पूरा जो गुड़ है वो इस पानी में घुल चुका है। आप चाहो तो शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा गुड़ जो है ना वो पानी में मिल गया है, तो उसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे कोकोनट, ठीक है। कोकोनट इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करना है। ये कुछ ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है कोकोनट डालने के बाद, और इमिजिएटली जो हमने जो वरी यानी कि भगर जो गर्म करके रखी थी ना वो इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ये देखिए ये जो भगर है ना वो मैंने इसमें ऐड कर ली है, और अभी इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। ऐसे चलाते रहिएगा। गैस की फ्लेम लो फ्लेम पे रखी है मैंने। आप चाहो तो इसमें येलो या फिर ऑरेंज कलर भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने तो नहीं डाला है इसमें। आप चाहो तो इसको कलर भी इसमें कलर भी मिला सकते हैं। धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, गाढ़ा हो जाएगा ये। और ये टोटल आपको गर्म करना है 10 मिनट तक, ठीक है। तो अच्छी तरह से वो कुक हो जाएगा। ये देखिए टोटल 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तब तक ये पूरा गाढ़ा बन चुका है, ठीक है।
अभी इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, ताकि एक अच्छा सा स्वाद आ जाए। आप चाहो ना तो इसमें जो स्ट्रॉबेरी जो इसेंस रहता है ना, या फिर वैनिला इसेंस, वो भी डाल सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसेंस या फिर कलर भी डाल सकते हैं। व्रत के लिए अगर बना रहे हो तो इलायची पाउडर भी नहीं डालोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ स्वीट, एज ए स्वीट ऐसे खाने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ वरी यानी कि भगर जो होती है ना, वो हम व्रत के दिन भी खाते हैं, और कोकोनट और पानी और गुड़, वो तो हम खाते ही है। तो व्रत वाले दिन आप ये ऐसे स्वीट भी बना सकते हैं, सिर्फ इलायची पाउडर आप उस दिन पे स्किप कर दीजिए। मैं यहाँ पे अभी कैसे है ना, ये लड्डू गोपाल जी को थोड़ा बना के खिलाने वाली हूँ ना, तो इसके लिए मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। वैसे ये व्रत के लिए मैं तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन एज अ मतलब एक स्वीट कैसे बनाया जाएगा, तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो और थोड़ा सा गाढ़ा होने दीजिए। ये देखिए अभी ये परफेक्ट बन चुका है, क्योंकि ऐसे हम जब ये चला रहे हैं ना तो ये मिल के आ रहा है, मतलब पैन में जो है ना वो साइड में चिपकना नहीं चाहिए, ये पूरा ऐसे नज़दीक नज़दीक में आ रहा है ना ये एक दूसरे के साथ, तो परफेक्टली कैसे हम जाने। तो ऐसे अगर आप इसमें ना चम्मच अगर रख दोगे ना तो वो वैसे ही रह जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये रेडी है, ठीक है। तो हम अभी इसकी मिठाई बना सकते हैं। अब मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, और यहाँ पे जो एक चम्मच घी मैंने ले लिया है वो मैं स्प्रेड कर दूँगी, ताकि हमारी जो मिठाई है ना वो चिपकेगी नहीं प्लेट को। आप चाहे तो बटर पेपर भी ले सकते हैं। और अभी ये जो है ना ये हम इसमें निकाल लेंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब देखिए ये गरम गरम ही आपको स्प्रेड करना है, इसके लिए एक कटोरी ले लीजिए और इवनली ऐसे स्प्रेड करते जाइए, ठीक है। तो आपको उसके गरम गरम ऐसे चटके नहीं लगेंगे, जितना थिक आप रखना चाहते हो उतना रखिए, ज़्यादा पतला भी मत कीजिए। ये देखिए मैंने इवनली स्प्रेड किया है ये प्लेट में। अभी ये थोड़ा गरम होता है ना तभी हम छुरी की मदद से ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसको निकालना है आपको। ये देखिए अभी इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इस पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल के सजा सकते हैं। तो अभी जो है ना ये बिल्कुल ठंडी हो गई है मिठाई, अभी हम ये जो वड़ी है ना वो निकाल सकते हैं, एकदम इजीली निकलती है ये, ठीक है। मैं एक आपको निकाल के बताती हूँ, ये देखिए बहुत ही मस्त बनती है ये। अभी मैं पहले कान्हा जी को इसे मतलब भोग लगाती हूँ इसका, और फिर हम मिलते हैं। एकदम इजीली निकल रही है, ये ठीक है, ये हो गया कान्हा जी के लिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हम इस पे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया दिखेगी ये मिठाई। शुद्ध देसी घी में बनाई गई है ये, बढ़िया लाजवाब मिठाई होती है। गुड़ से बनाई है तो हेल्दी भी होती है, शुगर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, कलर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलायची पाउडर है स्वाद के लिए। तो मतलब बिल्कुल ही बढ़िया ऐसे मिठाई आप बनाते हैं,
घर पे ही, ठीक है। तो ये हम भोग चढ़ाते हैं हमारे ठाकुर जी को, मेरी लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए यहाँ पे मेरे ठाकुर जी यानी कि मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पे विराजमान हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह, है ना। और ये देखिए, ये जो हमने भोग चढ़ाया है, मैं उनको प्रसाद जो नैवेद्य है वो दिखा चुकी हूँ, मैंने भोग चढ़ा दिया है। ये देखिए उनको पसंद भी आया है बहुत। लक्ष्मी माता जी भी बैठी है, ठीक है। तो बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। राधे 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 कृष्णा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे 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 कृष्णा।